इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको 2019 का जो इनोवेशंस हम लोगों ने किए उसके बारे में समझाऊंगा एंड आप सबको पता होगा जो भी स्मार्ट फाइनेंस के साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा नाम रंजन है एंड मैं स्मार्ट फाइनेंस के फाउंडर मेंबर हूं एंड हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 2004 से है, 16 साल का इस जर्नी में हम लोगों का बहुत सारा इनोवेशन हुआ है। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आपको पता होगा हमारा जो रिवोल्यूशनरी इनोवेशन था, जो सबसे अच्छा इनोवेशन था, वोलाटाइलिटी को यूज करके इंट्राडे ट्रेड कैसे करें, वोलाटाइलिटी को यूज करके इंट्राडे में कैसे काम करें, ये हमारा सबसे पुराना इनोवेशन था। उसको लाखों का ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं सक्सेसफुली। ये 15-16 साल में बहुत लोग उससे बेनिफिटेड हुए। इसके अलावा हमारा बहुत सारे इनोवेशंस आया हुआ है, जैसे डिकपलिंग मेथड हुआ हमारा, जितने भी इनोवेशंस का हमारा होम पेज में आप जाए तो ये सारे चीजें आपको मिलेंगे। तो ये जो जर्नी है 16 साल का, 2019 में हमारा क्या क्या इनोवेशन रहा इसी के बारे में ये वीडियो है एंड आने वाले दिनों में 2020 में या 2020 में हमारा क्या क्या इनोवेशंस रहेंगे ये भी मैं डिस्कस करूंगा एंड ये इनोवेशन को आप कैसे सीख पाए इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो हमारा 2019 का जो पहला बड़ा इनोवेशन था वो था ऑप्शन के जो इम्प्लाइड आईवी रैंक होते हैं, आईवी परसेंटाइल होते हैं, इसको नया तरह से कैसे यूज करें। तो यहां पे ये जो मेथड्स में ये फॉर्मूलेस तो थे, इसका कैलकुलेशंस भी थे, सब कुछ थे। तो यहां पे जो चेंजेस हम लोगों ने लाए वहां पे जो चेंजेस थोड़ा सा किया गया, इम्प्लाइड वोलाटाइलिटी अंडरलाइंग एसेट का, निफ्टी का इम्प्लाइड वोलाटाइलिटी, निफ्टी ऑप्शंस का तो होता है बट निफ्टी का इंप्लाइड वोलाटिलिटी कैसे नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सिमुलेशन मेथड से निकाला जाए। तो एक तो उनका जो निफ्टी का हर रोज का प्राइस रहता है उससे एक वोलाटिलिटी निकलता है, बट निफ्टी का और एक दूसरा भी वोलाटिलिटी होता है जिसको निफ्टी का इंप्लाइड वोलाटिलिटी भी बोला जाता है। जब हम इंप्लाइड वोलाटिलिटी का बात करते हैं हर वक्त अटेंशन जाता है कि हाँ ऑप्शंस का ही इंप्लाइड वोलाटिलिटी रह सकता है, बट जो असेट है निफ्टी का ऑप्शंस का रह सकता है बट निफ्टी का इंप्लाइड वोलाटिलिटी कुछ भी नहीं है। बट ये जो इनोवेशन से ये निकाला गया, हाँ निफ्टी का भी एक इंप्लाइड वोलाटिलिटी हो सकता है एंड उसको जो नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सिमुलेशन मेथड एक हम लोगों ने डिजाइन किए जिसमें से ये निकाला गया। जो दूसरा बड़ा इनोवेशन हमारा था ऑप्शंस के जो फील्ड में, मैक्सपेन थ्योरी ये बताता है कौन से स्ट्राइक में एक्सपायरी होने का चांसेस ज्यादा है। अभी इस महीना जनवरी 2020 में किस स्ट्राइक में निफ्टी का एक्सपायरी होगा, वो स्ट्राइक का कैलकुलेशंस कैसे बनेगा ये ऑप्शंस का मैक्सपेन बताता है। पर जब इसका जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को डाला जाता है उसमें से एक्यूरेसी इतना नहीं मिलता था, तो वही कैलकुलेशंस को हम लोगों ने रखे। हम लोग यहां पे थोड़ा सा बदलाव किए उसका जो ऑब्जर्वेशन में, उसका जो कैलकुलेशन में, मैक्स पॉसिबल आउटकम टू मिनिमम पॉसिबल आउटकम विथ 100% रिट्रेसमेंट, ये एक छोटा सा बदलाव लाके इसका एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ा दिया गया, 70-80% का एक्यूरेसी इस कॉन्सेप्ट का भी लाया गया। ये फॉर्मूलेस थे, इसको सिर्फ इंप्लीमेंटेशंस में कैसे करें ज्यादा फायदे के लिए वो लाया गया। तीसरा इनोवेशन जो हमारा था, ये सब लोग ये सोचते हैं कि जीरो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाए कैसे बनाया जाए। ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऐसे बनाया जाए जैसे मुझे प्रॉफिट तो ना हो बट लॉस ना लगे, छोटा सा लॉस लगे तो चलेगा। तो उसका तरीका ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो वही है, तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए जिसमें से हमारा जो जीरो लॉस का मॉडल में ये कन्वर्ट हो सके मेजोरिटी ऑफ केसेस में। इसके लिए जो भी वही बेसिक स्ट्रेटेजी लिए गए, रेशियो स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रैंगल, यही सब लिए गए।
इसको वोलेटिलिटी के साथ में इम्प्लीमेंटेशन कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, इसका इसका एक वे निकाला गया, एक पाथ निकाला गया। एंड इसमें से हम लोगों ने ये जो वे निकाला, यही बेसिक स्ट्रेटेजी है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये जब निकाला गया, इसमें से ये सब जीरो लॉस के मॉडल्स बने। एंड बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर इसको टेस्ट किए, बैक टेस्टिंग किए, देखे, इम्प्लीमेंट किए, एंड जब जाके उनको बिलीफ हुआ हाँ इसमें भी ऐसे काम हो सकता है। जो चौथा बड़ा इनोवेशन था बीटा डिकपलिंग को लेके पेयर ट्रेड का। पेयर ट्रेड का मतलब होता है आप एक फ्यूचर खरीदते हैं, दूसरे फ्यूचर को बेचते हैं। तो हम यहाँ पे एक इंडेक्स को कैसे खरीदे कैसे बेचे, इसका एक वे निकाला। इसमें से एक क्यूमुलेटिव बीटा, एक क्वार्टर का क्यूमुलेटिव बीटा डिकपलिंग लिया गया, कोरिलेशंस को इसके साथ में जोड़ा गया, जोड़ के एक ऐसा मॉडल बनाया गया जिसमें से एक 70-75% का सक्सेस रेट में ये इनोवेशंस भी आया 2019 में। उसके बाद में हमारा जो पांचवा इनोवेशन था डब्ल्यूटी ज्ञान का टाइम एनालिसिस, यानी कि कब ट्रेंड बदलेगा, ट्रेंड में कब रिवर्सल्स आएगा, मंथली डाटा को लेके कैसे किया जाएगा। एंड मास्टर टाइम प्रिंसिपल को लगा के हम जो मंथली डाटा का जो रिफ्लेक्शन प्राइस पॉइंट होता है उसी को लेके ये चीज भी इनोवेट किया गया। इसमें भी 60-65% का सक्सेस रहा। तो ये हमारा सबसे बड़ा पांचवा इनोवेशन था 2019 का। जो लास्ट इनोवेशन, लास्ट जो सिक्स्थ बड़ा इनोवेशन था फिबोनिक प्रिंसिपल को वोलेटिलिटी के साथ में जोड़ के हम एक स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड टॉप या एक्सपेक्टेड बॉटम कब बनेगा एंड इसका ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, इसका भी वही रिफ्लेक्शन डाटा पॉइंट्स का डायनामिक डाटा पॉइंट को लेके ये भी एक मेथड्स इनोवेट किया गया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सक्सेसफुल मेथड 2019 में रहा। एंड ये जितने भी इनोवेशंस किए गए इसको कोई सीक्रेट नहीं रखा गया, इसको हमारा 2019 में 16 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए, वेबिनार प्रोग्राम्स हुए, जिसके जरिए में 1700 लोगों को ये सिखाया गया ये इनोवेशंस क्या है। जो उन लोगों ने बैक टेस्ट किए उसको अपने ट्रेड में लगाए, प्रैक्टिस में लगाए, ये एक प्रोग्राम्स के जरिए में उनको कन्वे किया गया। एंड उसका भी इम्प्लीकेशन हमारे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स में भी ये सारे मेथड को भी जोड़ा गया, तो लोगों को भी, जो लोग सॉफ्टवेयर बायर्स हैं उनको भी फायदा मिले। ये था हमारा 2019 का एक्टिविटीज का एक छोटा सा रिपोर्ट। अभी जो 2020, इस 2020 में क्या क्या होने वाला है, 2020 में उसी तरह से प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे जैसे हमारा पहला प्रोग्राम एडवांस ज्ञान टेक्निक के ऊपर में जनवरी में होने वाला है। इसमें भी 2020 का तीन न्यू इनोवेशंस ऐड किए जाएंगे। 2020 में ये तीनों न्यू इनोवेशंस के ऊपर में भी सिखाया जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा प्रोग्राम होगा फरवरी में, उसमें 10 इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक सिखाए जाएंगे, उसमें से भी 3-4 न्यू इनोवेशन है। मार्च में ऑप्शंस के ऊपर में होगा, टॉपिक्स जस्ट रफ टॉपिक्स है, फेयर में वो टॉपिक्स थोड़ा अदल बदल के कुछ नया भी ऐड हो सकता है। उसमें से 10 ऑप्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर में होगा, इसमें भी कुछ नया चीज डाला जाएंगे। अप्रैल में फिबोनैसी के ऊपर में होगा, मई में टेक्निकल के ऊपर में होगा, जून में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर में होगा। जो लोग जनवरी में ये ज्ञान का प्रोग्राम को मिस कर लिए उनको सेकेंड चांस मिलेगा अगस्त में फिर से ज्वाइन होने के लिए, अगस्त 2020 में। तो वही रिपीटेशन अगस्त से होगा, कुछ प्रोग्राम्स जिसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है वो रिपीटेशन में आते हैं, तो नवंबर में वही इंट्राडे का होगा। एंड जो प्रोग्राम्स आप पहला 5-6 महीने में मिस कर जाते हैं वो प्रोग्राम्स अगस्त के बाद में फिर से आपको चांस मिलेगा ज्वाइन होने के लिए। जनवरी का प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमारा साइट में डाल दिया गया है। एंड जनवरी का जो प्रोग्राम है ये जनवरी 25 तारीख को पहला दिन रहेगा, 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा ये ज्ञान का। एंड 1 फरवरी एंड 3 फरवरी का रहेगा। एंड सभी प्रोग्राम्स जो है
इसका प्राइसिंग्स बहुत कम रखा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके, इसीलिए अफोर्ड कर सके, इसलिए इसका जो प्राइस है बहुत कम रखा जाता है। ये प्रोग्राम 590 रुपया का रखा गया है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कंडक्ट किया जाएगा। 25 तारीख को 9 से 10 15 तक इंग्लिश में रहेगा एंड वही दिन 25 तारीख को 11 से 12 15 के टाइम में हिंदी में वही सब्जेक्ट लिया जाएगा। 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा ये सारे सब्जेक्ट कवर करने के लिए एंड इसमें से भी 3 न्यू इनोवेशंस 2020 का रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे किया जाते हैं बट उसमें से जो प्रमुख इनोवेशन होता है उसको हम ईयर एंड में रिलीज करते हैं। 2019 में बहुत सारे काम किए गए बट 5 से 6 जो प्राइम इनोवेशन है जिससे यूजर लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिला उसी के बारे में यहाँ पे मैंने ये स्लाइड्स में दिखाया। एंड इसका भी जो लोग उसमें लास्ट ईयर में प्रोग्राम्स ज्वाइन किए उनका रिव्यूज भी आप देख सकते हैं, वो लोगों को क्या फायदा मिला, उन लोगों ने क्या लिखा इस प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे जो भी ये करते हैं यहाँ पे उनका जो ट्रेड्स कैसे किए, ट्रेड्स का क्या उनका फायदा मिला, ये सभी अपने फिबोनाची यहाँ पे सागर जी बोल रहे हैं वोलेटिलिटी के साथ में फिबोनाची को जो सिखाया गया ये बहुत बढ़िया था, इसमें वर्क होता है प्रिसिशन से। तो यहाँ पे जो नीरव ठक्कर जी ये बोल रहे हैं ये 10 साल से वो उनका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो इस तरह से एक नया चीज देखने के लिए मिला। तो ये जो चीज है ये सारे चीज नया चीज आप क्यों सीखे, ये अगर सीखे तो आपका ट्रेडिंग कैरियर इंप्रूवाइज हो सकता है। तो ये भी जो लोगों ने सीखे, जो लोग सीरियसली इसको इंप्लीमेंट किए, उन लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि हाँ हम लोगों ने जो सीखा उसको काम पे लगा पाए, उसमें फायदा मिला। तो अगर आप ऐसे मनसा रखते हैं और बिलीव भी करते हैं कि हाँ मार्केट में बढ़ के सीख के कुछ पैसा कमाया जा सकता है, सही से सीखें तो काम ये अच्छा काम पे लगेगा। अगर आप ये ट्रस्ट करते हैं तो ये प्रोग्राम में आप ज्वाइन कीजिए, फ्यूचर प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन कीजिए। हमारा जनवरी से दिसंबर का सारे प्रोग्राम्स का शेड्यूल अगले एक हफ्ते में रिलीज हो जाएंगे, आप जो भी प्रोग्राम मन करे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो लोग हमारा सॉफ्टवेयर बायर्स हैं, इंट्राडे का सॉफ्टवेयर हो या टाइम एनालिसिस का सॉफ्टवेयर हो, ये सब सॉफ्टवेयर जो लोग बायर हैं उनको जो भी ये नया इनोवेशन आ जाता है उस सॉफ्टवेयर में उसको जोड़ दिया जाता है, उनको कोई नया कॉस्ट नहीं लगता, जब कुछ नया निकला वो ऐसे ही उनको मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करूं मेरे एजुकेशन के लिए, मेरा डिसीजन प्रोसेस के लिए, तो आप हमारा जो कोर्सेस सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, पूरा पैकेज ले सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ महीना आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक दो प्रोग्राम ज्वाइन करके आप इस मेथड को काम पे लगा के देखिए, अगर अच्छा लगता है ये मेथड्स काम करते हैं तब जाके आप आगे बढ़िए या और कुछ हमारा जो कोर्सेस है उसमें आप ऑप्ट कीजिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।